बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं आज फोर्थ क्लास का दूसरा लेसन, और ये लेसन भी फ्रैक्शन ही का तसलसल है। इससे पहले हमने फ्रैक्शन बहुत डिटेल में पढ़ा था, आज हम फ्रैक्शन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। मेजर विद फ्रैक्शन हमारा टॉपिक आज का है, मेजर विद फ्रैक्शन। ठीक है, इन दिस एक्टिविटी यू विल मेजर रिबन्स विद द मेजरिंग स्टिक शोन ऑन द राइट। ये आपके पास राइट पर कुछ मेजरिंग स्टिक्स हैं जिसके ज़रिए आपको इस रिबन को नापना है। ये जो रेड कलर की आपको दिख रही है ये रिबन है, इस रिबन को हम इस स्टिक के ज़रिए, इस स्केल के ज़रिए नापेंगे। ये एक स्केल है, ठीक है। इस स्केल को हम यूज़ करेंगे इसकी लंबाई नापने के लिए, रिबन की। ये हमारा टास्क होगा, ठीक है। और पहले हम ये जो स्टिक हैं, स्केल, इसको पहले स्टडी करते हैं डिटेल के अंदर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये एक हमारे पास स्टिक है, ठीक है, इसको स्केल भी कह लें आप, ये मेजरिंग स्टिक कह लें आप, जैसे हमारे यहाँ हम खरीद के लाते हैं स्केल। अच्छा, इसी स्केल की लंबाई को डिफरेंट फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि इस स्टिक को तीन बराबर हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसमें ये जो एक हिस्सा आप देख रहे हैं ये कहलाएगा 1/3 लेंथ ऑफ द स्टिक। स्टिक की लेंथ कितनी है, ये 1/3, यानी एक स्टिक का तीसरा हिस्सा, एक स्टिक का तीसरा हिस्सा 1/3 कहलाता है। अच्छा, बाकी ये जो दो बचे हैं इनकी जो लंबाई है ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी 2/3, इसको बोलेंगे 2/3, ठीक है, इसको ऐसे जहन में रखिए। अच्छा, सेम इसी स्टिक को हमने बी में भी तोड़ा है, लेकिन बी के अंदर हमने इसको चार बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। जब आप इस स्टिक को चार बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो अब ये जो लंबाई होगी ये लंबाई 1/4 कहलाएगी। 1/4 का मतलब चार हिस्सों में से एक हिस्सा। इस 1/4 को क्वार्टर भी कहते हैं, ठीक है, इसको आप जहन में रखिएगा, बार बार ये लफ्ज आएगा, क्वार्टर, ठीक है। इस स्केल का एक क्वार्टर कितना है, इतना है, 1/4 पार्ट इस स्केल का एक क्वार्टर होगा। अच्छा, और ये जो तीन हिस्से हैं ये वाले, इनको आप 3/4 भी कह सकते हैं, और इसको हम 3/4 भी कहते हैं, 1/4, 2/4, 3/4, 3/4, ठीक है, इसको भी जहन में रखिए। अब हम सी स्केल पर गौर करते हैं। सेम स्केल ही है जो ऊपर वाली लेंथ का ही स्केल है, लेकिन अब की बार हमने इसको पांच बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। जब ये स्केल पांच बराबर हिस्सों में डिवाइड होगा तो अब ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाएगा 1/5 ऑफ द स्केल, ठीक है, और ये बाकी जो चार हिस्से हैं ये क्या कहलाएंगे, 4/5 ऑफ द स्केल, ठीक है। इसी तरीके से अब नीचे वाले स्केल को देखें, डी को, स्केल तो वही है पुराना वाला, लेकिन अब की बार हमने इसको छः हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है, 1, 2, 3 बराबर हिस्से, 4 और ये 5 और ये 6। तो अब ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, 1/6 कहलाएगा। इसी तरह ई को अगर आप देखें तो ई के अंदर हमने इसको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 बराबर हिस्सों में, 7 बराबर हिस्सों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 हिस्सों में डिवाइड किया है, लिहाजा ये एक पार्ट जो है छोटा सा ये कहलाएगा 1/7 पार्ट। कौन सा पार्ट कहलाएगा, 1/7, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसके एफ को देखें
तो अब ये हमने इसको 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। कितने हिस्सों में? 8 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। अब इसका ये जो एक हिस्सा है ये कहलाएगा 1/8 पार्ट ऑफ द स्केल। स्टिक कलर इस्तेमाल किया है इसमें आपकी बुक में। मैं इसको स्केल कह रहा हूँ, स्केल बोल लें, या जब तक इसके ऊपर फ्रैक्शनल निशान नहीं लगे होते हैं, ये स्टिक रहती है। जब इस पर फ्रैक्शनल निशान लग जाते हैं तो फिर ये स्केल बन जाता है। आखिरी के अंदर जो जी स्केल है उसको हमने 10 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, इस पर अगर आप गौर करें कितने हिस्से हैं टोटल इसके? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये जो छोटा सा पार्ट होगा ये इसका 1/10 पार्ट कहलाएगा। ठीक है, इसको बहुत तवज्जो से देखिए, क्योंकि अगले जितने भी सवालात हैं हमारे पास उन सबको हम इन्हीं बुनियादों पर हल करेंगे। ठीक है, एक स्केल जितने बराबर हिस्सों में डिवाइड होता है वो हिस्से नीचे लिखे जाते हैं, और जितने हिस्सों की बात कर रहे होते हैं वो हिस्से ऊपर लिखे जाते हैं। 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 और 1/10। ठीक है, इसमें 1/4 को आप एक अलग नाम देते हैं जिसे आप कहते हैं क्वार्टर। अच्छा, 1/2 अगर होता, यानी इसी स्केल के दो हिस्से करते, तो इसको बोलते हाफ। 1/2 भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? हाफ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको जहन में रखना है। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं अपने सवाल के ऊपर। पहला सवाल हमारे पास जो कहा गया है, व्हाट फ्रैक्शन पार्ट्स आर शोन ऑन ईच ऑफ द अदर मार्क मेजरिंग स्टिक। हर मेजरिंग स्टिक का जो पार्ट है वो क्या शो करता है? आप अब ये सारी स्टिक्स अपनी कापी में बनाएंगे। स्टिक की लंबाई एक रखेंगे, पहले उसको 300 में डिवाइड करेंगे और लिखेंगे ये जो हिस्सा है ये 1/3 है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने लिखा है। फिर अगली स्टिक बी बनाएंगे जिसके वो 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और एक हिस्से को मेंशन करेंगे कि ये 1/4 कहलाता है, इसी को क्वार्टर कहते हैं। इसी तरह सी स्टिक बनाएंगे, डी बनाएंगे, ई और एफ और जी। ठीक है, ये अच्छा खासा काम है। आपको चाहिए कि आप वीडियो यहाँ रोक दीजिए और रोक कर अपनी मैथ की कापी निकाल कर ए से लेके जी तक की सारी स्टिक्स बनाइए और उसको बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कीजिए। ए 3 हिस्सों में डिवाइड है, बी 4 हिस्सों में, सी 5 हिस्सों में, डी जो है वो 6 पार्ट बनेंगे, ई के जो है वो 7 पार्ट हैं, और एफ में 8 पार्ट हैं, और जी में 10 पार्ट हैं। ठीक है, और फिर आपको हर पार्ट को शो करके लिखना है कि ये जो हिस्सा है ये कितना कहलाता है। ठीक, ये हो गया पहला सवाल। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा, द रेड रिबन बिलो इज 2 6/8 ऑफ स्टिक लॉन्ग। अब ये आपके पास एक रेड रिबन है। ठीक है, इस रिबन को हमें नापना है किससे? इस स्केल से। ये जो स्केल है इससे नापा गया है। तो पहला स्केल रखा, फिर इसी में हमने दूसरा स्केल रखा, तो 2 तो हो गए पूरे। लेकिन जब हमने तीसरा स्केल रखा तो ये रिबन पूरे हिस्से तक नहीं आई बल्कि थोड़ी सी कम आई। तो अगर हम इस स्केल को देखें जिसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हिस्से बनाए हुए हैं, ठीक है, तो ये कितने हिस्सों तक कंप्लीट हो गई है? 6 पार्ट तक। तो 2 होल, 2 स्टिक्स तो पूरी पूरी लग गई, और फिर कितनी स्टिक, फ्रैक्शनल पार्ट कितना आया है? फ्रैक्शनल पार्ट आया है टोटल, अगर 8 हिस्से करते हैं तो 8 हिस्से नीचे लिखे जाएंगे, और उसमें से 6 हिस्सों तक ये पहुंचा है। तो इस रिबन की लेंथ इस स्टिक के लिहाज से 2 स्टिक और 6/8, 6/8, 2 6/8 पर मुश्तमिल है। ठीक है, अच्छा, इसी को अगर दूसरे लिहाज से देखें, नीचे जहां पर आपने वही स्टिक को इस्तेमाल किया, लेकिन कौन सी स्टिक इस्तेमाल की है? बी, जिसको 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, 4 बराबर हिस्सों में से ये कितने हिस्सों तक चली गई है? 3 पार्ट तक चली गई है। तो हम बोलेंगे 2 होल और 3/4, 2 होल
अपॉन फोर। ठीक है, तो अब यही रिबन दो तरह से डिस्कस हो सकती है। एक हम बोल सकते हैं कि ये रिबन टू होल 6/8 या 6/8 स्टिक के बराबर है, और एक दफ़ा हम बोल सकते हैं कि ये रिबन टू होल 3/4 के बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, तो गौर करें, अच्छे तरीके से सोचें। आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं ताकि जो बात आपको समझ में नहीं आए उसे जहन नशीन करने के लिए आप रिपीट भी कर सकते हैं। और जो बच्चे ज़्यादा बार देखेंगे एक वीडियो को रिपीट कर करके, उन बच्चों की जहन नशीन हो जाएगी ये सारी बातें। दूसरा सवाल हमने पढ़ा है, इस सवाल की बुनियाद पर हमें नीचे कुछ सवाल दिए गए, वो हम स्टडी करेंगे। देखते हैं क्या सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर टू है, ठीक है, हम आगे क्वेश्चन नंबर टू के पहले पार्ट के ऊपर। कैन वी आल्सो से दैट, क्या हम ये कह सकते हैं, द रेड रिबन इज टू एंड 3/4, क्या हम कह सकते हैं कि जो रेड रिबन है वो टू, वन ये और टू ये, और 3/4, 3/4 का मतलब आपको पता है ना, इस हिस्से को आप क्या बोलते हैं, क्वार्टर्स, 1/4, और ये क्या है, 1/4, 2/4, 3/4, तो टू होल एंड 3/4 ऑफ ए स्टिक लॉन्ग, क्या हम ये कह सकते हैं? यस, हम ये बात कह सकते हैं। आपको ये सवाल लिखना है, और सवाल लिखने के बाद उसके जवाब में क्या लिखना है, यस। ठीक है, ये स्टिक भी बनानी है सबसे पहले आपको। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर बी पर। हाउ मेनी एट्स आर इक्वल टू 1/4, 1/4 में कितने एट्स होते हैं, 1/4 में कितने एट्स होते हैं। इसके लिए, इस सवाल के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। ये हमारे पास क्वार्टर है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हमारे पास हिस्सा है 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नहीं ये वाला हिस्सा 1, 2, 3, ये हमारे पास है 8। ठीक है, तो ये 1/4 में कितने 8s होते हैं, देखा जाए तो इस 1/4 में 2 8s होते हैं। तो इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे, 2 8s, TS, 8s आर इन 1/4, 1/4 में 2 8s होते हैं। क्लियर, वेरी गुड, समझ में आ गया आपको, बहुत आसान था ये। अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर सी पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, हाउ मैनी एट्स आर इक्वल टू 2/4, 2/4 में कितने एट्स होते हैं। ये 2/4 हैं, इसमें कितने एट्स होते हैं, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, तो 2/4 में 3/8, 4/8 होते हैं। 2/4 की लेंथ 4/8 के बराबर होती है। इसको कैसे लिखेंगे हम जवाब में, देयर आर, ऐसे लिखेंगे, देयर आर ए 4/4, 4/8, देयर आर 4/8 इन 2/4, 2/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी भी हमने समझ लिया। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर डी के ऊपर। ठीक है, डी में हाउ मेनी एट्स आर इक्वल टू 1 होल, 1 होल में कितने एट्स होते हैं। ठीक है, 1 होल में 8 8s होते हैं, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/6, 7/8, 1 होल में 8 8s होते हैं। जवाब में क्या लिखेंगे आप, देयर आर 8 8s इन 1 होल।
ठीक है, ये आपको ऐसे अच्छे तरीके से समझना है। चलिए जनाब, अब हमारे ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गए हैं। आप वीडियो को पॉज करें और पास करके हर सवाल लिखिए, और हर सवाल के बाद उसका जवाब लिखिए, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हम, ठीक है। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है, हाउ लॉन्ग इज द ब्लू रिबन, बिलो नीचे जो ब्लू रिबन है ये वाला कितना लंबा है ये पता चलाना है। डिस्क्राइब द लेंथ इन 2 डिफरेंट वेज, दो मुख्तलिफ तरीकों से आपको इसकी लेंथ बतानी है। तो 2 तो इसमें होल है, एक येरा 1 और एक येरा दूसरा 2 होल। और अगर आप इस स्टिक से जिसमें 5 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है इसको देखें तो 3 है, 3/5। तो 2 होल एंड 3/5, अगर ऊपर वाले स्केल की स्टिक से हम नापें तो 2 होल और 3/5 इसकी लेंथ बनती है, ठीक है। और अगर नीचे वाले से सोचें तो नीचे वाले में कितने फ्रैक्शन पार्ट बनाए गए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 में से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/10। तो 2 होल, 2 तो पूरे होल हैं और 6/10, 6/10। दो मुख्तलिफ तरीकों से सवाल था, हाउ लॉन्ग इज द ब्लू रिबन, बिलो नीचे वाला ब्लू रिबन कितना लंबा है। डिस्क्राइब द लेंथ इन 2 डिफरेंट वेज, दो डिफरेंट वेज से हमें इसको डिस्क्राइब कर दिया। एक हमने वो स्केल इस्तेमाल किया जो 5th पार्ट पर मुश्तमिल था उसका पैमाना, उसका स्केल, और एक हमने वो वाला स्केल इस्तेमाल किया जिसका 10th पार्ट पर स्केल मबनी था। तो ये वाले स्केल के लिहाज से 2 होल 6/10, और इस वाले स्केल के लिहाज से 2 होल और 3/5, ठीक है। ये सवाल भी हमारा हल हो गया। चलिए अब इसका बी देखते हैं, हाउ मेनी 5th आर इक्वल टू 6/10, 6/10 के कितने 5th होते हैं। देखिए ये 6/10 की लेंथ है, ये कितनी लेंथ है, 6/10 की लेंथ है ये, और ये कितनी लेंथ है, 3/5 की, 5th की लेंथ है ये, 3/5, ठीक है। तो सवाल क्या था, सवाल ये था हाउ मेनी 5th, कितने 5th होते हैं टू 6/10, 6/10 में कितने 5th होते हैं, 3/5 होते हैं। तो आप इसके जवाब में क्या लिखेंगे, देयर आर 3/5 इन 6/10। क्लियर हो गई बात आपको, सब बच्चों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd हमारा खत्म हो गया, अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर 4th को हल करने के लिए। देखिए मेरे साथ रहिए, 4th के लिए तवज्जो रखिए, इधर उधर ध्यान आपका ना जाए, आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक पर रहे, और फिर हर सवाल को आपको ख़त्म होने से पहले रोकना है वीडियो, और फिर अपनी कॉपी के अंदर इसी सवाल को दोबारा से करना है। चलिए चौथा सवाल हम देख रहे हैं, विच इज लॉन्गर, अ रिबन दैट इज 2/5/8 ऑफ आई स्टिक्स, सही है, एक रिबन जो 2/5/8 ऑफ आई स्टिक होगी वो लंबी है, और रिबन दैट इज 2/7/10 ऑफ द स्टिक। तो देखिए ये तो 2 है होल, 1 और 2, और ये क्या है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ये, ठीक है, ये कितने हैं, 10th, ठीक है। और ये नीचे वाले कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8th है। तो रिबन दैट इज 2/5/8, 5/8 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये 5/8, एक इस एक रिबन इतनी लंबी है, ठीक है, यानी 2 और 2 के बाद 5/8, 2/5/8, ये इतनी लंबी है। या फिर दूसरी रिबन जो 2 हो और 7/10 हो, मैं इसको ऊपर बनाता हूँ, 7/10 ये होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/10 ये बन रही है, एक स्टिक इतनी है, 2 होल, एक रिबन इतनी है, 2 होल और 7/10, 10th क्यों, 1, 2, ये 10th हिस्से में इसको तोड़ा गया है,
इसमें से हमने 1 2 3 4 5 6 7 ले लिया। तो ये वाली जो रिबन है इसकी जो लेंथ है वो 2 होल और 5/8 है, और इसकी जो ये वाली जो रिबन है ऊपर वाली इसकी लेंथ कितनी है 2 होल और 7/10 है। आपके ख्याल में कौन सी बड़ी है? जी हाँ, 2 होल और 7/10 वाली जो रिबन है वो 2 होल 5/8 वाली रिबन से ज़्यादा बड़ी है। तो आप क्या लिखेंगे? 2 होल 7/10 इज लॉन्गर, ऐसे लिखेंगे, लॉन्गर देन THAN देन 2 होल 5/8। क्लियर हो गया आपको ये सवाल ए? चलें अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसी के बी पार्ट के ऊपर, ठीक है। बी पार्ट क्या कहता है? विच नंबर इज बिगर, 4/10 और 3/8? 4/10 बड़ा है या 3/8 बड़ा है? दोनों में से कौन बड़ा है? 4/10 ये 10th पार्ट में डिवाइड है, 4/10 इसके कितने, 1 2 3 4, ये 4/10 हो गए, ठीक है। ये कितने हो गए? 4/10। तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये वाला, ये बना 4/10, 4/10, ठीक है। अच्छा, और नीचे क्या, 3/8, 1 2 3, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला बना वो बना 3/8, ठीक है। आपके ख्याल में कौन बड़ा है? बिल्कुल 4/10 बड़ा है। तो आप क्या लिखेंगे? 4/10 इज़ बिगर देन, इसके जवाब में ये लिखना आपको, बिगर देन 3/8, ठीक है। चलिए अब हम चलेगा क्वेश्चन नंबर सी पर। विच नंबर इज बिगर, 6/10 बड़ा है या 5/8 बड़ा है? 6/10, 1 2 3 4 5 6, ये 6/10 हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है ये क्या बन गया? 6/10, 6/10, ठीक है। और 5/8, 1 2 3 4 5, ये आपके हो गए 5/8, ये जो फासला हो गया ये हो गया 5/8। तो आपको क्या दिख रहा है, कौन सा बड़ा है? बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा है 5/8, 5/8 थोड़ा सा बड़ा है। तो हम लिखेंगे 5/8 इज बिगर देन 6/10, ठीक है। चलिए अब आप सब अपनी अपनी कापी निकालिए और पूरे 4 सवाल आपको हल करने हैं, ठीक है। बस हम यहाँ अपनी क्लास ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह कल अपनी क्लास शुरू करेंगे दोबारा से, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।